अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, आज फाइनली ब्लॉग बनाते हैं, चलो ऐसा मुझे लगा। सो, ये देख सकते हो कल मेहंदी नहीं लगाई थी, आज मेहंदी लगा रही हूँ और ये इतनी सी लगाई हूँ, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो कैसी लगी मेरी ये वाली मेहंदी और आयशा की मेहंदी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। एंड द नेक्स्ट थिंग, आप देख सकते हो हम लोगों ने कैटी लेकर आए हैं, कैटी लेकर आए, तो अभी एक का नाम है जिमी, दूसरे वो जो जिमी है वो बच्चे देने वाली है और जो किटी है वो छोटी है अभी, उसकी मतलब वो उसकी मम्मा है, तो वो जब बड़ी हो जाएगी थोड़ी तो वो हम लोग देंगे किसी को, लेकिन जब तक ये संभालने वाले हैं। और हम लोग मतलब जो जिमी को है वो विस्कस का फूड खिलाते हैं और अभी प्योर पेट का भी ला के ट्राई किए कि वो खा रही है नहीं खा रही है। तो आयशा के हाथ में कल मेहंदी नहीं लगी थी और आज हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, ये देख सकते हो आयशा के हाथ में हमने मेंढा बनाए हैं। क्या ही चुचुम्बरी, आयशा की ईद देखो आज है, क्योंकि कल मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई। आज मैं बताती हूँ, मैंने आज जो खाने में बनाया था सालन बनाया था और नान ढूंढे नहीं मिले, फिर पाव मंगा लिए और शीरखुरमा बनाए थे, देन बस, क्योंकि बकरा ईद है तो इतना हम लोग ने ताम झाम नहीं किए। बहुत अच्छी गई ईद और फाइनली रात हो गई है, तो फाइनली ईद का दिन पूरा हो चुका है। अब ये देख सकते हो जो कैट है बाहर साफ सफाई हो रही है ना, तो उसको देख रही है, जो हमारी किट्टी है बैठकर कितने अच्छे से देख रही है, देखो दोनों भी बाहर नहीं जाएगी, वो यहीं बैठेगी क्योंकि उसको ना यहाँ पर ठंडा लगता है, तो यहाँ पर ही बैठते हैं दोनों भी। ये बार बार उसको जाके देख रही है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, ये देखो कितने अच्छे से बैठ गई। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।